हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस वे जॉब्स। आज आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती आई है हेड कांस्टेबल क्लर्क का, और बम्पर भर्ती है, 554 पोस्ट है उसमें। ये सीधी भर्ती 2019 है, जिसमें 12th पास वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है जी, ऑल इंडिया में कोई भी मेल या फीमेल जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इसकी हम पूरी प्रोसेस की बात करेंगे, आप वीडियो पूरा देखिए, इसमें बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, एज की, और कितना फॉर्म भरने डेट की, सब की बात करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन सब देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं दिल्ली पुलिस की जो नोटिस आई हुई है, दिल्ली पुलिस की नोटिस की हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें आया हुआ है प्रधान सिपाही यानी हेड कांस्टेबल लिपिकीय, इसका मतलब होता है क्लर्क पद के लिए जो है परीक्षा आई है, सीधी भर्ती परीक्षा 2019। देखिए, इसकी ऑनलाइन परीक्षा आप जो है 14 अक्टूबर 2019 से कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है आपको 13 नवंबर 2019 है। और इसकी जो वेबसाइट है delhipolicenic.in पे आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 14 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन लिंक ओपन हो जाएगा। देखिए, इसका जो पैसा है, जो आपको वेतन है, वेतन आपका 25,500 से 81,100 रुपये आपको मिलेगा, और समय समय पर जो भी अलाउंस होगा, जो भी महंगाई भत्ता होगा, जो भी होगा, आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अलाउंस मिलेंगे वो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। और आपके ये जो अभी पोस्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभी जो है अस्थाई पोस्ट है, ठीक है, मतलब अभी परमानेंट नहीं है, बट अभी समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इसकी वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल का रिजर्वेशन कितना कितना है। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, टोटल मैंने आपको बता दिया 554 वैकेंसी है, जिसमें अगर पुरुष की बात करें तो सामान्य में अनरिजर्व में 140 और महिला का अनरिजर्व में 69 वैकेंसी है। अगर EWS वाले की बात करें तो उनकी 37 वैकेंसी है पुरुष में, और जो फीमेल हैं उनकी जो है 18 है। अगर OBC की बात करें तो 86 वैकेंसी है मेल का और 42 वैकेंसी है फीमेल का। अगर SC की बात करें तो 56 वैकेंसी है, और ST की बात करें तो 27 है। और अगर SC का और ST की बात करें तो 53 वैकेंसी है पुरुष का, और महिला फीमेल का देखें तो 26 है। तो ये आप टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जो मेल के रिजर्व है वो 372 है टोटल, और अगर फीमेल के देखें तो 182 है। बाकी वेतन तो आप देख ही चुके हैं। अब इसकी जो है, हम लोग जो रिजर्वेशन है, जो पहले से अगर भूतपूर्व सैनिक है, पहले रह चुके हैं, तो उनको जो है 10% का फायदा मिलेगा। अगर PWD कैंडिडेट है तो उसको जो है 3% का फायदा मिलेगा, उसको 40% होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एज की बात कर ले तो एज जो है आपका 18 से 25 साल होना चाहिए, अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी वालों को एज पर अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है जो भी मिलता है, जैसे बात करें अगर हम दिव्यांग व्यक्ति का EWS का, तो ये 35 साल है। फीमेल की बात करें तो 35 साल है। तो इस तरह के जितने भी SC ST सबको रिजर्वेशन जो नियमानुसार हो वो मिलेगा आपको। आप शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10+2 से आपको 10+2 में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। आप 10+2 से अगर किए हैं किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका दूसरा कंडीशन ये है कि आपको जो है इंग्लिश में 30 शब्द जो है प्रति मिनट लिखने आना चाहिए, और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, ये चेतावनी दी हुई है कि आप जो है किसी भी तरह का फॉर्म में जो है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। उसके बाद से जो है आप दिल्ली पुलिस, देखिए परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो परीक्षा शुल्क जो है आपका 100 रुपया, और रिजर्व कैटेगरी जो जिनके जो होंगे उनको जो है छूट मिलेगी। अब जो भी रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे भूतपूर्व हो, चाहे आपका जो है SC ST है, उनको जो है परीक्षा में शुल्क मिलेगी, छूट मिलेगी। देखिए, इसका जो ये आज नोटिस आई हुई है, इस नोटिस को जो है आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार में 12 अक्टूबर 2019 को देख सकते हैं, और दूसरे कहाँ देख सकते हैं, delhipolicenic.in पे जहाँ से आपको अप्लाई करना है वहाँ भी इसका जो एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है उसको डाल दिया जाएगा।
अब देखिए, फॉर्म भरने भर तो सकते भर देंगे, उसके बाद जो है परीक्षा जो होगा वो जैसे कंप्यूटर आधारित होगा, परीक्षा होगा, फिर शारीरिक क्षमता को भी उसमें जो भी मापदंड बनाया जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट बता दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आएगा तो हम एक और वीडियो बनाएंगे इस पर, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाए, जो भी मापदंड तय होगा उसके हिसाब से सारी चीज़ें की जाएगी। अब जो है इस फॉर्म को आप लोग जो है जैसे 14 अक्टूबर से इस फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा लीजिए अगली नई वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो के साथ।